जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक ई एजुकेशन चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का अगला मरहला, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। जी जरा बेटा देखें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का तबसरा मैंने पहले भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ओपन चेन में अल्केन की चेन आएगी, अल्कीन की आएगी और अल्काइन की आएगी। और जो अल्केन्स होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+2। और ये है कि नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो अल्कीन और अल्काइन पर मुश्तमिल है। अल्कीन का फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n और CnH2n-2 अल्काइन का है। और इसकी पहचान तो पता ही आपको, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और काइन में किसी भी एक दो का बने दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अब बेटा बेसिकली हमने ये देखना है कि इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को आपने पुकारना कैसे है, मुखातिब कैसे करना है। तो बेटा जैसे हम बात करते हैं कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, तो आपको पता है कि कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। तो जाहिर सी बात है जितनी लंबी लंबी चेनें बनती जाएंगी तो उनको नॉर्मल क्लियर करना हमारे लिए उतना ही स्पेसिफिक होता जाएगा। ठीक है, वो कोई मखसूस अंदाज से उनको नॉमनक्लेट करना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा उनको, आप कह सकते हैं। तो इसके लिए बेटा अब हम टॉपिक पढ़ते हैं नॉमनक्लेचर का। तो नॉमनक्लेचर में बेसिकली दो तरह के नाम आएंगे, एक कॉमन नेम होगा और एक आयुपैक नेम होगा। अब जरा कॉमन नेम की अगर हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कॉमन नेम आम नेम बोलते हैं या स्पेशल नेम, ट्राइबल नेम्स के नाम से भी इसको कहा जाता है, लेकिन हम कॉमन नेम देखते हैं। अगर मैं पहले अल्केन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो अल्केन का पहला मेंबर क्या है जी, मीथेन, CH4, इसको मीथेन ही बोलेंगे। इथेन है नेक्स्ट मेंबर, इसको इथेन ही बोलेंगे। तीन कार्बन से मुराद प्रोपेन है तो इसको प्रोपेन ही बोलेंगे। अब जब हम ब्यूटेन की तरफ चलते हैं तो ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन वाले को नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे और जो ब्रांच चेन है उसको बोलेंगे आप आइसोब्यूटेन। अब बेटा इसी तरह अगर हम पेंटेन की बात करें, वो भी इसी तरह ही होगा, नॉर्मल होगा, आइसो होगा। तो ये बेटा नेम्स यहां तक आकर फेल हो जाते हैं, इनकी लिमिटेशन पेंटेन तक ही है। ठीक है, अगर जब हम हेक्सेन की बात करते हैं, चले हेक्सेन को हमने इसको बोल दिया कि आइसो हेक्सेन है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे? ठीक है ना, ये भी तो ब्रांच में है, लेकिन यहां पर देखें ये ब्रांच सेकंड कार्बन पर लगी है, ये थर्ड पर लगी है, दोनों का स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उनके नाम भी ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। अगर इसको आइसोहेक्सेन कह रहे हैं तो इसको आप आइसोहेक्सेन नहीं कह सकते, कॉमन नेम ने इसका नाम नहीं दिया, उन्होंने नॉट डिफाइंड लिख दिया कि इसको आप डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो फिर हेक्सेन से बेटा हम शुरू होते हैं आयुपैक नेम्स के जरिए इनको नॉमिनेट करना। तो आयुपैक का नेम मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आपकी बुक के अंदर रूल्स के साथ बात समझाई हुई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स के साथ ही चलेंगे। हमने हर रूल्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, हम वन बाय वन हर एक को स्टडी करते जाएंगे। अब जरा देखिए पहला रूल क्या कहता है जी आयुपैक नेम के थ्रू कंपाउंड्स को नॉमिनेट करने का, वो कहता है यू विल हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स, कि आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जरा देखें जो कॉन्टिन्यूसली चेन चलती हो, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हर लिहाज से कॉन्टिन्यूसली चेन जो चल रही है वो 5 कार्बन की है। तो हम अपनी आसानी के लिए ये ले लेते हैं अपनी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। अब ये जो नीचे ग्रुप लगा हुआ है इसको आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या ब्रांच कह सकते हैं आप। और जो सी आपने कार्बन की लंबी चेन ली है इसको आप बोलेंगे पेरेंट चेन, इसको आप बोलेंगे पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, तो इट मींस के ये पेंटेन होगी सब्स्टिट्यूएंट को निकालकर, ये क्या होगी, पेंटेन। अब हमने कार्बन की नंबरिंग करनी है, कार्बन की नंबरिंग हमने कहां से शुरू करनी है, जिस कार्बन के क्लोज सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, ये इस कार्बन के क्लोज तो नहीं होगा, ये इस कार्बन के क्लोज है, तो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4
फोर और फाइव। अब हाँ, आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर टू पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है और क्या लगा है, मिथाइल लगा है। आपको पता है मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप के अंदर कि जब आप अल्केन में से एक निकाल देंगे हाइड्रोजन तो वो अल्काइल बन जाएगा, तो ये जो CH3 है ये मिथाइल है, तो टू पे लगा है मिथाइल। तो आप पहले बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, मैं अब इसका नाम लिखने लगा हूं, इसका नाम होगा टू मिथाइल और एंड पर आप क्या लिख देंगे, पांच कार्बन से पेंटेन, इसका नाम होगा टू मिथाइल पेंटेन। आइसोहेक्सेन को टू मिथाइल पेंटेन भी बोलते हैं, और बेटा याद रखना आइसो कंपाउंड वो होता है जो सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच में लगा हो, फिर थर्ड के साथ लगा हो उसको आइसो आप नहीं कहेंगे, वो नॉट डिफाइंड होगा। अब ऑब्वियसली आपको इसका नाम भी ऑब्वियसली आ जाएगा, आप देखेंगे यही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग आप जहां से मर्जी शुरू कर सकते हैं, ब्रांच सेंटर में लगी है। मैं यहां शुरू कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 2 मिथाइल पेंटेन था और ये क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, 3 पे मिथाइल लगा है तो ऑब्वियसली बेटा 3 मिथाइल पेंटेन आ जाएगा यहां पर। ये भी हेक्सेन था, ये भी हेक्सेन है, अब यहां पर भी हेक्सेन है, इसको भी जरा देख लें आप, ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हर लिहाज से 4-4 ही है, तो आप ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देख लें, 4 से मुराद ब्यूटेन, पेरेंट चेन आपकी कौन सी होगी, ब्यूटेन 4 कार्बन की होगी, जहां से मर्जी नंबरिंग शुरू कर ले, सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, 1, 2, 3, 4, क्योंकि दोनों कार्बन के एंड पर ब्रांचेस दोनों एक डिस्टेंस पर, एक डिस्टेंस पर है। तो अब देखिए यहां पर 2 पे भी ब्रांच है, 3 पे भी ब्रांच है, तो एक मिथाइल को मोनोमिथाइल या सिंपली मिथाइल बोलते हैं, 2 लगे होंगे तो डाइमिथाइल बोलेंगे, तो आप इसका नाम कैसे तजवीज करेंगे, 2, 3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन से ब्यूटेन, ब्यूटेन 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब जरा बेटा आप यहां पर आ जाए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, बेटा बुक्स में रूल्स लिखे हुए हैं, मैंने उन रूल्स को ही यहां पर एग्जाम्पलीफाई कर दिया है। यहां पर देखें बेटा आप, ये नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास, आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हर लिहाज से 5-5 ही है, तो हम अपनी आसानी के लिए ये पेरेंट चेन ले लेते हैं हमारी, ठीक है जी, और ये दोनों क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब जरा बेटा देखें यहां पर, एक तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, Ci3CH2 यानी कि C2H5, इथेन क्या था C2H6, ये क्या है C2H5, ये इथाइल हो जाएगा। तो जैसा कि पता है आपको कि नंबरिंग अगेन से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आप देखते हैं 2 और 3 पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक मिथाइल लगा है एक इथाइल लगा है, तो बेटा बेशक इथाइल 3 पर लगा है, मिथाइल पहले लगा है, लेकिन लिखते वक्त बेटा आपने इथाइल को पहले लिखना है, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे नाम लिखेंगे, इसका 3-ethyl-2-methyl-pentane, इसका नाम क्या होगा 3-ethyl-2-methyl-pentane, 3-ethyl-2-methyl-pentane। अब यहां पर देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इसका जो स्पेशल नेम है वो तो नियोपेंटेन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब जरा देखिए आप कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हर लिहाज से 3-3 ही है। अब कार्बन नंबर 2 पे 2 लगे हैं, तो आप यहां पर 2 को 2 दफा लिखेंगे, 2-2-डाइमिथाइल और 3 कार्बन से क्या है प्रोपेन, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2-2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट देखिए जरा बेटा, नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक बल्की कंपाउंड है, और आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जरा देखें हम आराम से काउंट करते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तो बेटा जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो हमारे पास ये वाली बन रही है, ये जो मैंने इन सर्कल कर दिया है। क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कार्बन की क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपने नंबरिंग किस कार्बन से शुरू करनी है, देखें 1 2 3 यहां पे 4 पे ये ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, ये क्या है 4 पर ये ब्रांच है, और यहां पर देख लें 1 2 2 पे ब्रांच है। अब ब्रांचेस को जरा सर्कल कर लें, एक ब्रांच ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये बल्की ग्रुप है। 3 कार्बन से ये प्रोपाइल होगा, और ये प्रोपाइल भी कौन सा होगा, नॉर्मल प्रोपाइल होगा, क्योंकि सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच है, पेरेंट चेन को अटैच किया हुआ है। तो बेटा नंबरिंग करते हैं जी कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 अब 2 3 पे तो डाइमिथाइल है, और 4 पर क्या लगा हुआ है जी, आइसोप्रोपाइल। ये नॉर्मल प्रोपाइल नहीं हुआ, ये आइसोप्रोपाइल होगा, क्योंकि आप देख लें 1 2 3 3 कार्बन थी, तो सेंटर वाली कार्बन के साथ पेरेंट चेन अटैच है, तो ये वाली क्या बेटा होगी हमारे पास आइसोप्रोपाइल। तो आप क्या करेंगे बेटा, 4 आइसोप्रोपाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन, इसका नाम होगा 4 आइसोप्रोपाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाएं, हमारे पास ये लास्ट कंपाउंड है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो ये स्ट्रेट चेन ही बनती है। अब देखें इस वाली कार्बन के पास 2 ब्रांचेस क्लोज है, यहां पर 1 ब्रांच क्लोज है, तो जाहिर सी बात है यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। यहां पे बर्थ ज्यादा है, यहां पर बैलेंस ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, इसका नाम क्या होगा, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो ये बेटा हमारी पास नोमेनक्लेचर थी। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने यही कंपाउंड करने हैं, अपने पास से कंपाउंड बनाएं, उसको नोमेनक्लेट करें, एग्जांपल्स करें, और हमें अपना जो होमवर्क है, असाइनमेंट है, हमें ज़रूर शेयर भी करें, ठीक है, हमें सेंड भी करें, कमेंट करें आप, ठीक है, ताकि हम आपकी काम को देख सकें कि कैसा किया है आपने, गलतियाँ मैंशन कर सकें। तो किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बेटा हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह प्रॉपर आंसर करेंगे आपको। और अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपने नाम को लिखना कैसे होता है, तो ज़रा बेटा देखें ये 3 जोन सा है, ये हमारे पास मैथ का वर्ड है, ई जोन सा है बेटा, ये हमारे पास इंग्लिश का वर्ड है। अगर मैथ को इंग्लिश से सेपरेट करना हो तो आप हाइफन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैथ को मैथ से सेपरेट करना हो तो कॉमा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये बात जरा आप याद रखेगा कि नाम को लिखना कैसे है। अगर आपने जरा सी यहाँ पर भी गलती कर दी, इसके लिए मैंने हाइफन लगा दिया कॉमा के अलावा, तो बेटा फिर भी आपका नाम गलत हो सकता है। तो बेटा हमारे इस चैनल को, हमारे इस टॉपिक को जरूर देखिएगा।